दोस्तों, हम सब हाथी देखते ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो भी क्यों ना, धरती के इस भारी भरकम जानवर को देखना होता ही है दिलचस्प। लेकिन बचपन से लेके बड़े होने तक हम हाथियों के बारे में कई सारी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो हाथियों के बारे में आप और हम नहीं जानते। तो आज हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा वादा है कि हाथियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिसे आप अपने दोस्तों परिवार को बताकर अपनी इज्जत और शान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाथी ज्यादातर भारत और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी माना गया है। इसमें नर हाथी की हाइट औसतन 3 मीटर तक ऊंचा और वजन 4,000 से 7,500 किलोग्राम के बीच हो सकता है, जबकि एशियाई हाथियों की लंबाई 2.5 मीटर तक और वजन 3,000 से 6,000 किलोग्राम के बीच होता है। जन्म के समय हाथियों का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथी 3 अलग-अलग प्रजातियों की होती हैं, अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी। 5 करोड़ साल पहले हाथियों की 170 प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन अब मात्र 2 ही बची हैं, एलिफ्स और लक्सोडांटा। हाथियों को रोजाना 150 किलोग्राम की भोजन की जरूरत होती है, इसलिए हाथी हर दिन घास, पौधे और फल खाने में 12 से 18 घंटे बिताते हैं। पूरी दुनिया के हाथियों में से 25% हाथी अकेले अफ्रीका देश के बोत्सवाना में पाए जाते हैं, और भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है, जहां इनकी संख्या 6,000 के करीब है। हाथी की खाल का ज्यादातर हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। हाथी अपने सूंड में लगभग 8 लीटर तक का पानी भरकर पीते हैं। इनकी सूंड 1.5 लाख यूनिट तक की मसल्स होती है। तैरते समय वो सूंड का उपयोग सांस लेने में अच्छे से कर लेते हैं। हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, बड़े दांत को गजदंत अर्थात टास्क कहते हैं। वे इसका उपयोग पेड़ों की छाल को उतारने, जड़ों को खोदने या अपनी रक्षा के लिए करते हैं। हाथी में गजब की याददाश्त होती है, क्योंकि इसका टेम्पोरल लोब आदमी की तुलना में बड़ा सघन होता है। हाथी अपने साथी की पहचान कर उसके साथ बिताए हर दिन को याद रखते हैं। हाथी जन्म लेने के कुछ मिनट बाद ही खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के भीतर तो वो चलने लगते हैं। कई बार वो इतनी कम आवाज निकालते हैं कि इंसान उन्हें सुन भी नहीं सकता। यही नहीं, वो भूमि पर पैर पटक कर वाइब्रेशन करके भी एक दूसरे को संकेत देते हैं। हाथी और घोड़ा ही एकमात्र ऐसे पशु हैं जो खड़े खड़े सोते हैं। बीमारी या कमजोरी में कभी कभार ऐसा होता है कि वे लेट जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हाथी 1 दिन में 40 गैलन तक पानी पी सकता है। हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। कहते हैं कि एक हाथी पानी की गंध को लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। प्रत्येक मिनट हाथी 2 से 3 बार ही सांस लेता है और छोड़ता है। हाथी एक लौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता, लेकिन यह लंबे समय तक तैरने की क्षमता रखता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथियों का जन्म एरावत नाम के हाथी से माना जाता है। मतलब एरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। लौटेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। लेकिन तब तक इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, और इस जानकारी को उन्हें भी बांटिए। धन्यवाद।